मतालिया, मैं नारायण नेत्रालय में बच्चों की आंख, तिरछापन और न्यूरो नेत्र विज्ञान की स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे आपके एक विशेष समस्या के बारे में बात करने जा रही हूँ। इसको हम सरल साधारण शब्दों में भेंगापन, तिरछापन या स्क्विंट कहते हैं। सामान्य रूप से हमारी दोनों आंखें सीधी होती है, पर जिस किसी को तिरछापन हो उसकी एक आंख अंदर की तरफ या ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ या नीचे की तरफ हो सकती है। तिरछापन के बारे में लोगों के मन में कई गलत फहमियां हैं, जैसे अगर बच्चे को स्क्विंट है तो वो बहुत लकी है, ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, या बच्चों में हो गया तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब वो बड़ा हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा तभी उसका इलाज करिए। ये सब गलत है और मैं बताने जा रही हूँ कि ऐसा क्यों। पहला हमको ये समझना जरूरी है कि स्क्विंट क्यों होता है। अगर आंख में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मोतिया, हाँ बच्चों में मोतिया हो सकता है जिसको हम कैटरैक्ट कहते हैं, या काला मोतिया जिसको हम ग्लॉकोमा कहते हैं, या आंख के अंदर का पर्दा जो सरक जाता है जिसको रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं, बहुत ज्यादा चश्मे का नंबर, या इवन कैंसर, अगर ये आंख में हो जाए तो तिरछापन आ जाता है, जिसका मतलब है आंख की जांच करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो जिसको हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज बोलते हैं, तो ये तिरछापन आ सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? दिमाग हमारी आंखों की गति को नियंत्रित करता है। अगर दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गया हो तो ये नियंत्रण खो जाता है और एक आंख दूसरी दिशा में चली जाती है, और इसका असर हमारे दृष्टि पे पड़ सकता है। दोहरी दृष्टि से बचने के लिए दिमाग एक आंख का इस्तेमाल बंद कर देता है और धीरे धीरे उस आंख की नजर कम हो जाती है, जिसको हम लेजी आई बोलते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो नजर पूरी तरह से चली जा सकती है। इसीलिए तिरछापन का जांच करना बहुत ही जरूरी होता है। एक और चीज, जिस किसी को तिरछापन हो वो किसी और से मिलने के लिए हिचकिचाता है, नजरें मिलाने के लिए उसको शर्मिंदगी महसूस होती है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी कम होता है, इसीलिए तिरछापन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि तिरछापन स्क्विंट एक गंभीर समस्या है, परंतु ये जटिल नहीं है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसका हर तरह से इलाज संभव है, और ये खास करके बचपन में ही चालू करना चाहिए, जैसे कि चश्मा देना, एक आंख बंद करके दूसरी आंख को एक्सरसाइज देना जिसको हम पैचिंग बोलते हैं, कंप्यूटर द्वारा एक्सरसाइजेस जिसको विजन थेरेपी कहते हैं, और हॉस्पिटल में और घर में भी इलाज होता है एक्सरसाइजेस द्वारा जिसको हम ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस करते हैं। अगर ये सब करने से ठीक नहीं हुआ तो सर्जरी भी कर सकते हैं। सर्जरी आंख के मसल पे होती है और ये बहुत ही सेफ होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस बच्चे की आंख अंदर की तरफ है और इसकी बाहर की तरफ, बट ऑपरेशन के बाद दोनों की आंखें सही हो गई है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके बच्चे में, आपके अड़ोस पड़ोस में या मित्रों में किसी को भी तिरछापन हो तो उसका जल्द से जल्द इलाज और जांच करनी चाहिए, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ताकि उसकी नजर बनाई रहे और उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आए। धन्यवाद।